मिशन 2024 को लेकर तमाम राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी है। बूथ स्तर से लेकर जिला स्तर तक आम लोगों को पार्टी से जोड़ने की कवायद चल रही है ताकि पार्टी के कुनबे को मजबूत किया जा सके। इसी क्रम में राज्यसभा सांसद की मौजूदगी में हिंदपीढ़ी निजाम नगर में सदस्यता अभियान चलाया गया। मिशन 2024 को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा भी इन दिनों संगठन मजबूत करने की दिशा में काम कर रहा है। इसे लेकर रविवार को बड़ी संख्या में हिंदपीढ़ी के निजाम नगर के लोगों ने जेएमएम का दामन थामा। ज्वाइनिंग के लिए आए लोगों का कहना है कि राज्य भर में झारखंड मुक्ति मोर्चा बेहतर काम कर रहा है, इसलिए वो हाथ से हाथ मिलाकर राज्य को विकास के पथ पर ले जाने में अपनी भूमिका अदा करेंगे। जो हम लोग से काम हो गया, जो हम लोग से काम लिया जाएगा वहाँ तक हम लोग काम करने के इच्छुक रहेंगे। हम लोग को मोहल्ले में बहुत सा समस्या आता है लोगों के लिए, जो हम लोग कर पाएंगे इसलिए हम ज्वाइन करना चाहते हैं। जो अच्छा देख रहे इसलिए हम आगे बढ़ रहे हैं। एएमएम बहुत अच्छी रोल कर रहे हैं विकास के मामले में और कई कामों को अच्छी तरह से कर रहे हैं, इसलिए करके हम लोग इसमें शामिल हो रहे हैं ताकि भविष्य में हम सब मिल करके मतलब इसमें आगे काम करें। सदस्यता ग्रहण समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करने वाले राज्यसभा सांसद महुआ मांझी ने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा से लोग वैचारिक तौर पर जुड़े हुए तो हैं ही, लेकिन जब वो पार्टी का दामन थाम रहे हैं तो इससे बूथ स्तर पर भी पार्टी को मजबूती मिलेगी। उन्होंने कहा कि संगठन कमजोर होने के कारण चुनाव के दौरान परिणाम प्रभावित होते हैं, लेकिन अब जब संगठन मजबूत होगा तो चुनाव परिणाम और भी बेहतर होगा। अगर वो सदस्यता भी ले लेते हैं तो बूथ जो है उस वो ज़्यादा मजबूत होगा, क्योंकि हमारे बूथ कई जगह हमारे प्रति लोगों का रुझान है, लेकिन हर बार चुनाव के समय में बूथ पर कुछ राजनीति और षड्यंत्र हो जाता है, जिसे लेकर हम लोग गंभीर हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी भी गंभीर हैं और चाहते हैं कि बूथ मैनेजमेंट इस बार अच्छा हो, उसी की तैयारी चल रही है। बहरहाल पार्टी को मजबूत करने की कवायद में हर राजनीतिक दल के नेता और कार्यकर्ता जुटे हैं। लोग बढ़ चढ़कर पार्टी की सदस्यता भी ग्रहण कर रहे हैं, जो यकीनन आने वाले चुनाव को और भी ज्यादा टफ बनाने वाले हैं। न्यूज 11 भारत के लिए रांची से कैमरामैन कुणाल के साथ मोहम्मद इमरान की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।